अब आपको सीधे सुनवाते हैं जहां पर इस वक्त संतोष गंगवार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार जी, उनसे बात करते हैं कि आज लोकतंत्र के महापर्व पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं और क्या संदेश वो देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में, आज इस महापर्व पर क्या संदेश है? धन्यवाद, हम इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पर निश्चित रूप से मतदान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोकतंत्री व्यवस्था में मत का प्रयोग करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी देश की चिंता कर रहे हैं, पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है और जान रहा है। एक नए दौर में हिंदुस्तान आगे चल रहा है और एक तीसरी बड़ी शक्ति बनने की दिशा में हम कार्यरत हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को धन्यवाद बधाई दूंगा इस निवेदन के साथ, उनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले और एक जवाबदेही की सरकार हम लोग मिलकर बनाएं। तो मैं निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ कि जिस प्रकार से देश में परिवर्तन हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, अब हिंदुस्तान एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, इस बार पहली बार टिकट में परिवर्तन किया गया है, किस तरह का माहौल देखने को मिला जिस तरह से पहले विरोधाभास था? इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष की आयु के बाद परिवर्तन करेंगे, इसलिए कोई शिकायत नहीं है। जो पार्टी फैसला करती है, ठीक करती है, सही करती है, उस पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। मंच से अमित शाह जी आपके लिए घोषणा करके गए हैं कि आपके लिए अलग भूमिका तय की गई। अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी जो तय करेगी उसके हिसाब से काम करेगी। ठीक है, तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी, जिनका कहना है कि ये परिवर्तन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूरे अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव अभियान में है और संतोष गंगवार जी ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लिहाजा एक बार फिर बरेली मंडल में भाजपा फिर से अपने पूरे दमखम के साथ विजय हासिल करेगी। बरेली से दिनेश सक्सेना के साथ आशीष गुप्ता।